देश भर में नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और अब ये धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। इस खास मौके पर माता दुर्गा की पूजा पूरे 9 दिनों तक की जाती है, लेकिन खास तौर पर अष्टमी और नवमी तिथि का महत्व ज्यादा होता है। क्या आप जानते हैं कि अष्टमी और नवमी पर कुछ खास चीजों की खरीदारी करनी चाहिए? इससे माता दुर्गा की खास कृपा बनी रहती है। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित नंदकिशोर मुद्गल ने लोकल 18 को बताया कि 12 अक्टूबर को नवरात्रि का समापन और विजयादशमी मनाई जाएगी। इस दिन माँ धरती पर आती हैं और भक्तों को खास आशीर्वाद देती है, इसलिए इस दौरान कुछ खास वस्तुएं खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। महाअष्टमी को दुर्गा जी का पूजन करें और अपने घर में ऐसे वस्तु को लाएं जिससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ शांति प्रदान हो। अगर आप नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर पीतल का कलश घर लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी के अनुसार ये कलश न केवल माता दुर्गा का आशीर्वाद लेकर आएगा बल्कि गृहदोष से भी मुक्ति दिलाएगा। पीतल का कलश धार्मिक कार्यों में बेहद जरूरी माना जाता है। दुर्गाष्टमी के दिन आप अपने घर में हो सके तो पीतल का घड़ा, कलश जिसका नाम है पीतल का कलश, यदि आप खरीद करके बाजार से लाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा जितना भी है वह पीतल का जो कलश है इससे पूरे घर का नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगा। वह पीतल का कलश आपके पूजनोपयोगी होगा। जब जब भी पूजा होगी उसी पीतल के कलश का आप पूजन में यदि प्रयोग करते हैं और अपने घर में रखते हैं तो वह पीतल का घड़ा से नकारात्मक ऊर्जा घर का समाप्त हो जाएगा। मोर पंख का महत्व भी नवरात्रि के इस खास मौके पर बहुत अधिक है। इसे घर में लाने से सुख समृद्धि का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, तो इस अष्टमी और नवमी पर मोर पंख खरीदना न भूलें। ज्योतिषाचार्य का कहना है कि अष्टमी तिथि पर श्रृंगार की वस्तुएं खरीदने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, ये आपके सौभाग्य को भी बढ़ाएगा, इसलिए अपनी पूजा थाली में श्रृंगार का सामान जरूर शामिल करें। और मोर पंख साथ ही साथ आपके घर में जो पूजा स्थल है उस पूजा स्थल में श्रृंगार का सामान माता दुर्गा जी के लिए उस दिन आप यदि अष्टमी के दिन अपने घर में लाते हैं और रखते हैं तो इससे आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ेगी। अष्टमी के दिन आप अपने घर में ये सब सामान ला करके रख लें। इस नवरात्रि इन खास वस्तुओं को अपने घर लाना न भूलें। ये न केवल आपको माता का आशीर्वाद दिलाएगा बल्कि आपके घर में सुख समृद्धि की बहार भी लाएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहे लोकल 18।